फ्रेंड्स वेलकम आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट कॉम में। तो आज के इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी ने भूगोल के। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन सेम टू सेम एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी क्वेश्चन को कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक ना हो। काफी सिंपल क्वेश्चन है और यहां से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, सभी क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन खनन नगर नहीं है। देखिए निगेटिव सेंटेंस है, खनन नगर किसको बोलते हैं, जैसे कि जमशेदपुर क्या है, खनन नगर है। पीटर्सबर्ग क्या है, खनन नगर है, क्योंकि यहां खनन की क्रिया होती है। यानी खनन क्रिया वैसी क्रिया जिसमें खदान से कच्चा लोहा, कच्चा धातु, कच्चा अधातु प्राप्त किया जाता है, यानी निकाला जाता है, उसको कहते हैं खनन क्रिया। ठीक है, तो जहां यह क्रिया होती है उसको क्या बोलेंगे, खनन नगर बोलेंगे। ठीक है, तो यानी जहां जिस शहर में जिस नगर में कच्चा लोहा, कच्चा धातु, कच्चा कोयला यह सब प्राप्त किया जाता है उसको कहते हैं खनन नगर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सामने दिया गया है खेतरी, धनबाद, कोटरमा या फिर पटना। तो ये तीनों की तीनों जो है यह खनन नगर है। ठीक है, यह पटना खनन नगर नहीं है, यानी आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यानी हुगली जो है औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, किसका है, कोलकाता हावड़ा का या फिर कोलकाता मेदिनीपुर का या फिर कोलकाता रिसरा का या फिर कोलकाता कोंडनगर का। ठीक है, तो ये जो हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे कोलकाता हावड़ा का। किसका, कोलकाता हावड़ा का हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 2021 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन को आप किसी भी हाल में नहीं भूलेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका थर्ड क्या पूछा है कि भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी यानी आयरन स्टील कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। ठीक है, इसको टिस्को या फिर विश्व रवि या लौह तथा इस्पात कारखाना या फिर मैसूर तथा इस्पात कारखाना। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को थ्योरी में बताया था कि टिस्को के बारे में बताया था। ठीक है, तो टिस्को की जो स्थापना हुई थी 1907 में, और ये कहाँ है, जमशेदपुर में आते हैं। ये जो कारखाना है ये जमशेदपुर में आते हैं। ये विश्व का पाँचवा सबसे बड़ा लौह इस्पात कंपनी है, यानी ये विश्व का टिस्को जो है पाँचवा सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना है। तो ये जो सबसे पहले स्थापित की गई थी भारत में। ठीक है, यानी आपको ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का, यानी टिस्को भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन पतन नदी पर अवस्थित है। ठीक है, इनमें से कौन पतन जो है नदी पर अवस्थित है, हल्दिया, कोलकाता, चेन्नई या फिर मुंबई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका कोलकाता। ये जो पतन है कोलकाता पतन नदी पर अवस्थित है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है, यानी एसडीआई जिसको बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रूप में जो जाना जाता है। ये एसडीआई रिपोर्ट यानी पर ईयर मतलब जारी किया जाता है यूएनडीपी की तरफ से। सबसे पहला जो एसडीआई रिपोर्ट जारी किया गया था वो डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा जारी किया गया था, जो पाकिस्तान के एक प्रसिद्ध जाने माने अर्थशास्त्री थे और वहां के वित्त मंत्री भी रह चुके थे। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया गया दीर्घजीविता। ये देखिए, अगर मानव विकास होगा, यानी मानव विकास का मतलब क्या हुआ, आदमी में विकास होना। अगर मानव अगर सच में विकास करेगा तो उसका जो जीने का उम्र होगा, उसकी जो आयु होगी वो ज्यादा होगी। तो दीर्घजीविता ये भी सही है, यानी मानव विकास सूचकांक के रूप में इसको भी जाना जाता है। ज्ञान का आधार, यानी आदमी अगर पढ़ा लिखा है, अच्छा मतलब नॉलेज रखता है, तो ज्ञान का आधार भी डिपेंड करता है मानव विकास पे। ठीक है, इसी के आधार पर भी, यानी ज्ञान के आधार पर भी मानव विकास सूचकांक का एसडीआई रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो मानव विकास के रूप में इसको भी जाना जाएगा। ठीक है, उच्च जीवन स्तर, यानी हाई लेवल का मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का मतलब जीवन जिए, ये नहीं कि गरीबी हालत में, पूरा एकदम नॉर्मल हालत में। ठीक है, थोड़ा सा स्टैंड क्वालिटी मतलब अच्छे लेवल में शिक्षा के क्षेत्र में आगे होना चाहिए, यानी हर एक क्षेत्र में आगे होना चाहिए, उच्च जीवन स्तर होना चाहिए। तो इसको भी जो है मानव विकास के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो है मानव विकास के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा फाइव नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को समझना है और यहां से आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है। ठीक है, सामाजिक सूचक के बारे में पूछा जा रहा है। वैसे कि मानव विकास का जो होता है सामाजिक सूचक भी होता है, उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र में भी सूचक होता है, यानी अर्थव्यवस्था के रूप में भी सूचक होता है, इतिहास के रूप में भी सूचक होता है। यानी इसका जो इंडिकेटर होता है मानव विकास कर रहा है, तो बहुत सारे इंडिकेटर से होते हैं। ठीक है, यानी सूचक होते हैं। तो मानव का विकास का जो सामाजिक सूचक है वो कौन सा है, शिशु मृत्यु दर, या तो आपका प्राकृतिक सूचक हो जाएगा। ठीक है, साक्षरता, रोजगार या फिर आय। तो देखिए मानव विकास का सामाजिक सूचक जो है वो हो जाएंगे साक्षरता, यानी लिटरेसी, यानी समाज में कितने लोग साक्षर हैं, कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग नहीं पढ़े हैं, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, नहीं है,
इस बात पर भी डिपेंड करता है मानव विकास, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार शेयर कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये सभी क्वेश्चन आपका सेलेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? सेलेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब गेस किया हुआ क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाएंगे यहां से आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मानव विकास सूचकांक निम्नतम है, यही सबसे कम है। अगर मानव विकास सूचकांक अगर निम्नतम होगा तो वो देश, क्या वो राज्य विकास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, मतलब उसका विकास का जो लेवल है, साक्षरता जो दर है, वो नीचे है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार का जो HDI रिपोर्ट है वो क्या है, मतलब नीचे है, यहां का मानव ज्यादा विकास नहीं किया है। ठीक है, अब मैंने यहां कंफ्यूजन नहीं होना आप लोगों को कि सर आप बोले थे कि UNDP द्वारा HDI रिपोर्ट जारी किया जाता है हर देश के लिए, तो यहां बिहार कहां से आ गया? जी हां, इसका भी जारी किया जाता है, यानी UNDP द्वारा HDI रिपोर्ट पर ईयर, यानी पर साल तैयार, हर साल तैयार किया जाता है। तो इसी को आधार मान के, यानी पर, यानी अब इंडिया ने भी, यानी देश में भी हर एक स्टेट को, हर एक राज्य को यूनिट मानते हुए क्या किया जाता है, HDI रिपोर्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, जिसमें बिहार सबसे नीचे आता है, यानी इसका सूचकांक सबसे कम है, निम्नतम है। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ का घटक है, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के स्तंभ का घटक है, फैक्टर है। ठीक है, समता, बिल्कुल ये हो जाएगी समता, इक्वलिटी, यानी इक्वलिटी होगा आदमी में, यानी गरीबी के आधार पर, अमीरी के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसमें विषमता नहीं लाएंगे, कोई डिफरेंसिबिलिटी नहीं लाएंगे, इक्वलिटी, यानी समाज में सबको बराबर का हक देंगे, तभी मानव विकास करेगा। तो ये भी एक फैक्टर है, घटक है, सही बात है, ये हो जाएंगे। सतत पोषणीयता, सतत पोषणीयता का मतलब क्या होता है कि भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रखते हुए और वातावरण को संतुलित करते हुए, वातावरण को सुरक्षित रखते हुए, वातावरण को एकदम स्वस्थ रखते हुए उसको विकास करना ही क्या कहलाता है, सतत पोषणीय कहलाता है। यह भी फैक्टर बहुत मायने रखता है मानव विकास में। उत्पादकता तो रखता ही है, अगर उत्पादन होगा तो मानव विकास ज्यादा करेगा, नहीं उत्पादन होगा देश में कोई चीज का तो मानव विकास कम पड़ेगा। ये तीनों के तीनों जो है विकास के स्तंभ है, यानी घटक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विकास के लिए क्या कह रहा है कि विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है, ये जो कथन है ये किसने कही थी? तो ये कथन कही थी डॉक्टर महबूब उल हक ने। किसने? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा ये कथन कही गई थी कि विकास लोगों के लिए विकल्पों का विस्तार है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखिए अगर राज्य की बात की जाए तो साक्षरता दर सबसे ज्यादा है वो केरल की। किसकी? केरल की। अगर हाँ, अगर बात की जाए साक्षरता दर सबसे कम है तो हो जाएंगे बिहार। क्या हो जाएंगे? बिहार। अगर बोला जाए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहां है तो बिहार। अगर बोला जाए सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है, यूपी में। ठीक है, अगर बोला जाए केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता दर, सॉरी सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो वह किसकी है, तो लक्षद्वीप की। किसकी? लक्षद्वीप की। यानी इसका जो है 91.85% साक्षरता दर है लक्षद्वीप की। ठीक है, स्टेट की बात की जाए, राज्य की बात की जाए तो केरल हो जाएंगे। ठीक है, केंद्र शासित और राज्य में अंतर होता है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं, राज्य होते हैं, वहां डायरेक्ट सेंट्रल सरकार का पकड़ रहता है, यानी केंद्र सरकार वहां शासन करते हैं। ठीक है, और ये राज्य जो होता है उसका अपना गवर्नमेंट होता है। ठीक है, तो ये बात को आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? 2017 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है, चेन्नई, सोलापुर, कोयंबटूर या फिर अहमदाबाद। देखिए कोयंबटूर के बारे में आप लोग जानते हैं, तो कोयंबटूर में चीनी उद्योग के लिए फेमस है, पूछे जाते हैं। आप याद रखेंगे कोयंबटूर जो है वो चीनी उद्योग के लिए फेमस है। तो ये जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, यानी दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहे जाते हैं उसको किसको कहे जाते हैं? यही मैनचेस्टर को कहे जाते हैं। किसको? मैनचेस्टर को। ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्या कह रहा है कि बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योगों से संबंधित है? कुटीर, उपभोक्ता, विरहत या फिर प्राथमिक। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस उद्योग में उपभोग की वस्तु तैयार की जाती है उसको क्या बोलेंगे? उपभोक्ता उद्योग बोलेंगे। ठीक है, बिस्कुट उद्योग किस प्रकार का उद्योग हो जाएंगे? उपभोक्ता उद्योग, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्क्रीन पर क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है, यानी प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक, चतुर्थ तक आपको पढ़ाया गया। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो एक्टिविटी आएंगे वो कौन सी एक्टिविटी आएंगे? वो आएंगे मछली पकड़ना। मछली पकड़ना जो है क्या है? द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता, नेगेटिव सेंटेंस है। यह आता आपका प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत अर्थात मछली पकड़ना। ठीक है, इस्पात पर गलन, वस्त्र निर्माण, टोकरी बुनना, ये सब मतलब जब कोई सामान बनता है ना तो वो कार्य जो आते हैं वो द्वितीय सेक्टर में आते हैं। ठीक है, यहाँ सामान बनता नहीं है, ये मछली बना बनाया हुआ, मछली मतलब है पानी में, यानी तैर रहा नदी में, उसको पकड़ के आप खा रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाएंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? चॉकलेट में जो इस्तेमाल होता है, ये आपको चीज पढ़ाया गया था,
तो चॉकलेट में कहवा का इस्तेमाल किया जाता है, किसका, कहवा का, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, सॉरी इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी कोको का, किसका, कोको का, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप है। सेकेंडरी सेक्टर, यानी सेकेंडरी सेक्टर आप जानिए कि जिसमें यानी सामान बनाए जाते हैं, नए सामान कच्चे माल से यानी कच्चे पदार्थ से, किसी कृषि क्षेत्र से जो भी कच्चे पदार्थ प्राप्त होते हैं उससे अगर उपभोग की वस्तु तैयार की जाती है उसको कहते हैं सेकेंडरी एक्टिविटी, ठीक है, यानी या फिर सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, द्वितीयक सेक्टर। ये जो हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा टोकरी बुनना। यह सामान बन रहा है ना, टोकरी क्या, नया सामान बन रहा है, और कच्चा सामान क्या हो जाएंगे, कच्चा मतलब प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त बांस हो जाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएंगे टोकरी बुनना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह द्वितीयक सेक्टर है। मछली पकड़ना आपका प्राथमिक, कृषि वानिकी ये सब आपका प्राथमिक में आता, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 मोनाजाइट पाया जाता है, तो मोनाजाइट केरल, बिहार, असम या फिर उपयुक्त सभी में, तो मोनाजाइट जो पाया जाता है वो पाया जाता है केरला में, कहां, केरला में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। 2020 का 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में भी आपका क्वेश्चन आया था, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि किसी भी हाल में भूलना नहीं है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 लांबा संबंधित है पवन ऊर्जा से, सौर ऊर्जा से, भूतापी ऊर्जा से, उपयुक्त सभी, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पवन ऊर्जा से, किससे, पवन ऊर्जा से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 सड़क किस भूमि उपयोग में आती है, ये देखिए भूमि का आपको प्रकार बताया गया था, टोटल 8 प्रकार, ठीक है, तो सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है, तो ये जो हो जाएंगे गैर कृषिगत भूमि उपयोग या फिर वन भूमि या फिर बंजर भूमि या फिर प्रतिभूमि, तो ये क्या हो जाएंगे, वन भूमि में जंगल होते जो वन आते साफ साफ वर्ड में लिखा हुआ, यहां तो पढ़ के कोई भी समझ सकता है, बंजर भूमि कोई काम का नहीं, प्रतिभूमि भी कोई काम का नहीं, तो गैर कृषिगत भूमि वैसी भूमि जिसमें कृषि नहीं की जाती है लेकिन उस भूमि का इस्तेमाल होता है तो उसको कहते हैं गैर कृषिगत भूमि, ठीक है। लेकिन यह कृषि जो भूमि यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया गया, प्रयोग किया गया सड़क बनाने के लिए, उसको क्या कहेंगे, गैर कृषिगत भूमि कहेंगे, यानी सड़क किस भूमि के वर्ग में आएंगे, तो इसी वर्ग में आएंगे, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूर्व मध्य रेलवे का मंडल जो है उसका हेडक्वार्टर है, टोटल 16 जोनों में बटा गया था, टोटल 16 जोन आपको पढ़ाया गया, तो इसका हेडक्वार्टर जो हुआ हाजीपुर में, कहां, हाजीपुर में, यह हाजीपुर कहां, बिहार में, यह हाजीपुर कहां था, बिहार में जहानाबाद के बगल में आता शायद, है ना, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएंगे 19 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़, तो विजयनगर की बात की जाती है, तो ये विजयनगर जो है वो आपका कर्नाटक में, कहां आते, कर्नाटक में स्थित है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में है, बोकारो इस्पात केंद्र के बारे में आपको पढ़ाया गया था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर उड़ीसा, तो ये जो आते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं आपके झारखंड के अंतर्गत, यानी बोकारो इस्पात संयंत्र कहां स्थित है, झारखंड में, झारखंड में, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2017 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कोयला मिलता है झड़िया में, कोलार में, गोवा में, तो फिर खेतरी में, तो आपको बताया गया था कि जो कोयला मिलता है वो झड़िया में मिलता है, ये झड़िया कहाँ है, झारखंड में, ये झड़िया कहाँ है, झारखंड में, झारखंड का एक फेमस डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 23 काफी सिंपल क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनमें कौन खनिज अन्वेषण से संबंधित है, तो खनिज अन्वेषण से कौन संबंधित है, GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, GSI, HCL यानी क्या हो जाएंगे, हिंदुस्तान लिमिटेड कंप्यूटर्स, ठीक है, ONGC, ठीक है, तो ये आपको काफी सिंपल क्वेश्चन है, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये तीनों के तीनों आपका अन्वेषण से यानी नए नए के चीज की खोज से ये संबंधित है, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ONGC, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 24 क्या करें कि बाह्य सरोतीकरण सहायक है, यानी बाह्य सरोतीकरण जो सहायक है किसमें सहायक है, तो ये जो सहायक है विकासशील देशों में रोजगार बढ़ाने में, बाह्य सरोतीकरण विकासशील देशों में क्या करता है, एम्प्लॉयड यानी लोगों को रोजगार देता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क कहाँ स्थित है, मोहाली, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था उड़ीसा भुवनेश्वर तकनीकी पार्क, तो उड़ीसा का राजधानी में है भुवनेश्वर में ही वो अवस्थित है, ठीक है, तो मोहाली सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क जो अवस्थित है ये कहाँ आते हैं, ये चंडीगढ़ में, कहाँ, चंडीगढ़ में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है, सबसे ज्यादा अगर दूषित नदी है तो वो कौन सी नदी है, यमुना नदी, कौन सी नदी, यमुना नदी सबसे गंदी नदी है, मतलब कहने का ये कि गंदा बना दिया गया उनको, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कचरे फेंके जाते तो वो यमुना नदी में फेंके जाते हैं, जिसके कारण सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो बन गई है अभी यमुना नदी बन गई है, ऑप्शन डी आपका
राइट आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में, ठीक है, तो ये कौन नदी बेसिन पूर्वी भारत में, ये जो आ जाएंगे 27 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महानदी बेसिन, ये जो है पूर्वी भारत में आते हैं। कहां? पूर्वी भारत में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन कितना हो जाएगा 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों नदियों या नहरों के सहारे विकास होता है, ठीक है, तो ये जो होते हैं सड़कों नदियों या सहारे, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका रैची। ये देखिए सड़क के किनारे, देखिए सड़क चल रहा है, ये सड़क है, तो सड़क के अगर बगल में बस्ती घर बसेंगे तो ये ऐसे मतलब चलते बनेंगे ना, तो ये जो बस्ती बनेगा यानी ये बस्ती बनता है तो बहुत सारे घर होते हैं, जब बहुत सारे घर बसते हैं तो ये सड़क के किनारे घर बढ़ता गया बसता गया तो इसका आकार कैसा हुआ, सड़क भी लंबा रेखीय है तो इसका बस्ती का भी आकार सड़क के किनारे किनारे चलते बनेंगे तो उसका भी आकार क्या हुआ, रेखीय होगा। अगर नदी भी सीधा चलती है लगभग, नदी भी लगभग क्या चलती है, सीधा चलती है, ऐसे चला, ठीक है, ये नदी है, ठीक है, ये पानी पानी चल रहा है इसमें, ठीक है, इसके बगल में घर बना, इसके बगल में घर बना, यहाँ भी बना, तो इसका भी आकार क्या, सीधा है, सीधा यानी रैखिक है, तो इसका भी आकार क्या होगा, सीधा यानी रैखिक होगा। नहर का भी जो आकार होता है सीधा होता है, इसके बगल में जो प्रतिरूप होंगे जो मतलब घर बनेंगे उसका भी विकास जो होगा, इसका भी मतलब प्रतिरूप आकार जो होगा वो भी क्या होगा, लंबा होगा, लंबा बस्ती यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ से चलता बना, ठीक है, तो इसका जो आकार होगा लंबा होगा रैखिक होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। समझ गए, सिंपल सा चीज है, कोई लॉजिक नहीं है, हल्का सा सिर्फ समझने का मतलब फेरा, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी, तो अधिस अबाबा ना, अधिस अबाबा किसकी राजधानी, इथियोपिया की। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है, संस्कृति की दृष्टि से जिस नगर का विकास हुआ है उसको कहते हैं सांस्कृतिक नगर, तो ये सांस्कृतिक नगर कौन है। 30 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेरूसलम। क्या हो जाएगा, जेरूसलम जो है सांस्कृतिक नगर है, क्योंकि यहां मतलब संस्कृति के लिहाज से ये जेरूसलम काफी फेमस है, खास करके मुस्लिम लोगों के लिए, किसके लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 31, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है, 2018 का एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो यहां जो आंतरिक समुद्री पतन जो नहीं है वो हो जाएंगे आपके मॉफिस, यानी ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन में 32, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लैगुन और उपजल पाए जाते हैं केरल में, ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, फिर उपयुक्त सभी, तो ये जो पाए जाते हैं ये पाए जाते हैं केरल में, कहां, केरल में, यानी केरल में पाए जाते हैं। आपको आर्सेनिक के मोनाजाइट के आर्सेनिक के बारे में भी पूछा गया था, तो वो भी केरल में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 33 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया है, सिंपल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में, तो आपका हो जाता है सिंचाई सेक्टर में। सिंचाई सेक्टर में सबसे ज्यादा मतलब क्या होता है कि जो पानी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में कुल भौम जल उपयोग जब जल संभाव्य से ज्यादा है, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी तमिलनाडु में एक ऐसा राज्य है दक्षिण भारत का जिसमें क्या भौम जल उपयोग प्रतिशत में, ठीक है, इसके कुल भौम जल उपयोग से संभावित से भी क्या ज्यादा है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो आपको पढ़ाया गया था NH7 के बारे में, ठीक है, NH7 ये जो है जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होती है और कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है, यूपी यानी बिहार, यूपी राजस्थान कुछ होता हुआ, महाराष्ट्र कर्नाटक होता हुआ, कहाँ तक, कन्याकुमारी तक जाती है, तो NH7 का भी नया जो नाम है वो NH44 है, क्या है, NH44 है, यानी आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएंगे, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH नेशनल हाईवे है इंडिया का, तो वो कौन है, NH44, पुराना नाम पूछा जाए तो NH7, ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। आप लोगों से पुनः विनती की जाती है कि अपने दोस्तों में एक बार जमकर शेयर कर देंगे वीडियो को, जो अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि चैनल पर पूरी तरह से आपको हर एक सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है, ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।